ऐसा जीवन में कौन सा कुआं है जिसमें मनुष्य गिर जाए तो निकल नहीं सकता। राजा के मन में एक प्रश्न आया कि ऐसी कौन सी गहराई है जहां से निकलना असंभव है। राजा साहब ने राजदरबार बुलाया। राजदरबार में अनेकों मंत्री, सिपाही, राजपुरोहित सभी आए, कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। राजपुरोहित को आदेश दिया कि हे पंडित, 7 दिनों में मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देना, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड की प्राप्ति होगी। राजपुरोहित बहुत घबराया, क्षमा याचना मांगी, परंतु राजा बहुत कठोर था, उसे राज्य से निकाला। भटकता रहा 6 दिन तक, उसे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। रास्ते में एक गडरिया मिला, गडरिये से उसने रास्ता पूछा कि दूसरे राज्य में जाने के लिए पुरोहित कहां पर रहते हैं। गडरिया कहने लगा, आप तो राजपुरोहित हैं, राजा साहब के दुलारे हैं, इतने परेशान क्यों हैं? पंडित अहंकारी कहने लगा, मन ही मन सोचता है कि यह गडरिया तुच्छ सा मनुष्य मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। गडरिया कहने लगा कि हम सत्संगी हैं महाराज, पूछिए क्या प्रश्न है, आप क्यों परेशान हैं? मरता क्या ना करता। पुरोहित कहने लगा कि राजा साहब ने पूछा है कि संसार में इतनी गहराई कौन सी है, इतना गहरा कुआं कौन सा है जिसमें इंसान एक बार डूब जाए तो निकलना असंभव होता है। मैं इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहता हूं। गडरिया कहने लगा, यह तो मामूली सी बात है, मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूं, यह राजा क्या है? सैकड़ों राजा तुम्हारे पास होंगे। पुरोहित लालची था, कहने लगा, अच्छा तो दे दो। गडरिया मुस्कुराया, कहने लगा, इसके लिए भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। वो कहने लगा, पुरोहित कहने लगा, इससे मेरी बुद्धि का अंत होगा, मेरी बुद्धि का नाश होगा, मैं नहीं पीऊंगा। गडरिया कहता है, तो मैं पारस पत्थर भी नहीं दूंगा। मन में थोड़ा और लालच आया। गडरिया कहने लगा, मैं इस दूध को जूठा करूंगा, तब पीना होगा। पुरोहित सोचने लगा कि पत्थर तो मिल जाएगा, मैं पीने को तैयार हूं। तब गडरिया कहता, यह तो आई गई बात हो गई, जो यह नरमुंड की पड़ा हुआ है इसमें मैं भेड़ का दूध निकालूंगा, उसे जूठा करूंगा, तब उसे पीना होगा। पुरोहित क्या ना करता, सोचने लगा कि पारस पत्थर मिल जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गडरिया से कहता है, मैं तैयार हूं। गडरिया कहता है, पुरोहित महाराज, यही तो उत्तर है। लोभ लालच का जो कुआं है उसमें मनुष्य गिरता ही जाता है। जिस प्रकार से आप एक ब्राह्मण होके
मेरा दूध पीने को तैयार थे, मेरा जूठन खाने को तैयार थे, नर मुंड की दूध पीने को तैयार थे। यही तो वह कुआं है जो लालच का कुआं है, इसमें मनुष्य एक बार गिर जाए तो निकलना असंभव हो जाता है।